उपमंडल पधर के भादो 20 में मनाए जाने वाले मां हिमरी गंगा का शाही स्नान मंगलवार को धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस बार इस शाही स्नान में लोगों की भीड़ कम देखी गई। हालांकि प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन भीड़ कम होने से इस बार व्यवस्था सही बनी रही। अक्सर देखा जाता है कि भीड़ ज्यादा होने से पुलिस को भी ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में दो चार होना पड़ता था। वहीं पधर प्रशासन ने वाहन चालकों को निर्देश दिए थे कि वाहन चालक पधर से होते हुए वाया डायना पार्क गरोल होते हुए नीचे आएंगे। वहीं वाहन चालकों ने भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखी। वहीं कोर्ट रूपी हादसे व कोरोना काल के बाद इस शाही स्नान में श्रद्धालुओं की आवाजाही कम हो गई। इस बार बरसात ने लोगों पर खूब कहर बरपाया है। किसी के आशियाने छीन लिए तो किसी की जान चली गई। वहीं सड़कें बंद होने से मां हिमरी गंगा के शाही स्नान में लोगों की भीड़ कम देखी गई। वहीं इस बार माता फुगनी ने भी अपने गुरु के माध्यम से डायनासर झील में डुबकी लगाने के लिए पूरी तरह मनाही थी, जिस कारण भी श्रद्धालुओं का आना भी कम माना जा रहा है। लोगों का मानना है कि जब से प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही एक तरफ की है, तब से लोगों का आना कम हो गया है। वहीं बसों में लोग 10 रुपए से हिमरी गंगा पहुंच जाते थे, अब बसें न चलने से लोगों को अधिक किराया खर्च करना पड़ता है, जिस कारण लोगों ने अपना रुख इस ओर करना बंद कर दिया है। भाई ने 3-4 रुपए करो आगे से खड़ा ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।